अब नया डायलॉग आ गया मार्केट में, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, ब्लैक आइस से लगता है। यार फंस गई ना तो फिर दिक्कत है यार। करते एक एक करके चढ़ा देते ना। हाँ जी हाँ जी, एक एक करके चढ़ा देते यही। वो नहीं बन रही है, देख लिया था ना, इसलिए आया था ऊपर, थोड़ी सी फट रही है मेरी। हाय गाइस, ओ वेरी वार्म नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम कुफरी। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम कुफरी पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 7 बजे, लेकिन ना रास्ते में अब काफ़ी मतलब ब्लैक आइस थी और बाइक स्किड हो रही थी, और एक आध भाई की जो है बाइक स्किड भी होगी रास्ते में ना, मतलब जो यहाँ के लोकल होंगे। तो हमने सोचा यार रिस्क लेते नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा। और अभी आज का प्लान ये है कि थोड़ी सी एडिटिंग करनी है आपके लिए, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे, ऑलमोस्ट 10 बजे निकलेंगे यहाँ से नारकंडा के लिए। रीज़न बीइंग कि जो पानी होता है ना रोड पे, वो रात को हो जाता है फ्रीज़, और उसके बाद में अगर आप बाइक पे हो तो बहुत बाइक स्किड करती है। तो अगर आप ऐसी लोकेशन पे आ रहे हो जहाँ पर स्नो है और बाइक पे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलना, थोड़ी सूरज निकल जाएगा ऊपर, स्नो मेल्ट हो जाएगी, जो आइस जो फ्रीज़ हो गई है रोड पे वो मेल्ट हो जाएगी, और उसके बाद में ट्रक आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, वो उसको क्रश कर देती हैं, देन निकलो, अदरवाइज़ बहुत रिस्की होता है। गुड मॉर्निंग। तुम दोबारा घुस गए यार कंबल में दोबारा। ये बुला रहा था, बहुत बोर हो रहा था, केला ये कह रहा आ जाओ। मैंने चलो ठीक है, मैंने तो ये रहे चावला जी, अभी सो रहे हैं, रात को एडिटिंग स्टार्ट करी और भयंकर नींद आ गई, मैं सो गया एकदम। भाई ठंड हो रही है और कहाँ ठंडा हो रहा है। ये आपका है ना ऑमलेट? अच्छा है, ठीक है, मैं चेक कर लिया, मैंने चेक कर लिया, ठीक है, आप खा सकते हो अब। टाइम हो रहा है 11:30, ब्रेकफास्ट बोले या लंच बोले इसको? इसको ब्रेकफास्ट बोलना है लंच बोलना है? नहीं, व्लॉग में क्या बोलना है, ये ब्रेकफास्ट है या लंच है? कहीं भी चले जाओ, हमारा ब्रेकफास्ट वाला सेम ही होता है ना, कहीं भी जाओ, आलू के परौठे, बॉइल्ड एग, आलू के परौठे, ऑमलेट। 12 बज गए, 12 नहीं 12:30 बज गए। एडिटिंग में बहुत टाइम लग गया और धूप हो गई तेज, पूरा वाइट हो रखा है एकदम जबरदस्त, और आई होप अभी जो है ज्यादा ब्लैक आइज नहीं मिलेगी, अब मिलेगी तो मिलेगी यार, क्या कर सकते हैं। ओहो भाई साहब, क्या जबरदस्त खतरनाक स्नो हो रही है यार। ये देखो, ये है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट फ्रीज हो गया होगा रात में, तो मॉर्निंग में ये बहुत स्लिपरी होगा, इसलिए हम निकल रहे हैं आराम से, थोड़ा ज़्यादा आराम से आज। बल्कि ये बाइक अपनी स्क्रैम्बलर माउंटेन्स पे शाइन करती है, मज़ेदार, मतलब ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। और आगे आ गया है खतरनाक स्ट्रेच, जहाँ हम बहुत आराम से चलने वाले हैं। हो भाई साहब, दिस इज वेरी ट्रिकी, ये देखने में आई डोंट नो कैसा लग रहा है, बट इसके नीचे जो है ना मल्टीपल लेयर्स पे नीचे स्नो होगी, और यहाँ पर मेल्ट भी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर देखो सूरज आ नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आपके पाँव लग रहे हैं आपकी बाइक पे नीचे, तो आपको मिलती है एडवांटेज, और ऐसे स्टेज पे भाई बिल्कुल भी फ्रंट की ब्रेक नहीं मारनी चाहिए, मारनी है तो हल्की हल्की सी रियर की ब्रेक मारो, एंड ना मारो तो बेटर है, गियर डाउन कर लो, जाओ भाई जाओ, निकल जाओ ऑल्टो वाले।
और न मरू, ना मैं स्लो करूंगा, ना मैं तेज करूंगा, ना मैं हटाऊंगा। विनय तो चला गया आगे, चावला जी और पीछे जो भाई हैं वो लेट आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं, लेट नहीं आ रहे। सारी फॉग भी जम रही है। यू स्लेप्ट ओके? बच गए? लगी चोट नहीं लगी? क्या ब्रेक मारे थे आपने? हाँ अच्छा, यहाँ से निकाल रहे थे। हाँ, मैं तो पीछे एक कार बना रहा था, हॉर्न मार रहा था, तो मैंने कहा हॉर्न मारता रहे, मैं ना रुकूंगा, ना स्लो करूंगा, ना तेज करूंगा, मैं ओ वही चलूंगा। दिस इज द टेक्निक ओनली। ना ब्रेक मार सकते हो? हाँ हाँ। ना तेज करोगे? ओके ना, चलो ओके राइट सेफ। या भाई साहब कतई एडवेंचर वाला स्ट्रेच हो गया ये। बाइक की बाइक स्किट हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी लेन छोड़ के लेफ्ट में आ रहे हैं। मे बी कोई कार वाला हॉर्न मार रहा होगा या दिस इज वेरी ट्रिकी मैन, वेरी ट्रिकी। और यही स्ट्रेच है बस, मेन जो खराब है उसके आगे आई थिंक थोड़ी आगे जाकर ठीक हो जाएगा। ये तो अभी हम निकले हैं 12:30 बजे, तब ये हाल है देख लो। अगर सुबह निकलते तो पॉसिबिलिटी थी नहीं पहुंचने की। बिना ब्रेक मारे ही आपका टायर जो हल्का सा स्किट सा कर रहा है। अब नया डायलॉग आ गया मार्केट में, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहिब, ब्लैक आइस से लगता है। बट वाओ यार, फ्रेश स्नो देख के मजा भी आ रहा है, और थोड़ा सा आई एम कॉन्शियस ऑल्सो, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हूँ मैं भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा थ्रिल फील हो रहा है। यहाँ ऊपर तो होटल में बाइक जा ही नहीं पाएगी, कार ही जाएगी। द एप्पल ब्लॉसम थोड़ी सी फट रही है मेरी। अब ठीक हो गया, शुक्र है भगवान का। अरे यार आराम से नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ, स्लो, तब भी टायर स्किट कर रहा है। स्वाद आ रहे हैं, स्वाद आ रहे हो? कहाँ रह गए भाई? पता नहीं कहाँ रह गए। उसकी सीबीआर और ग्रिप नहीं है। हाँ ये देखो, ऐसा लग रहा है स्पीति वैली जा रहे हैं, मतलब स्पीति वैली का ही रूट है ये। बड़ी जैसे क्लिफ हैंगर रोड्स का हल्का सा स्ट्रेच आया ना ये, ऐसा ही आता है व्हेन यू क्रॉस किन्नौर टुवर्ड्स स्पीति वैली। वेदर इज प्लेजेंट नाउ, हम हाइट हमारी कम हो गई है, नीचे आ गए हैं तो ठीक लग रहा है। ना ठंड लग रही है, ना गर्मी लग रही है। ऐसे ब्लैक आइस पे अगर आप सोलो आ रहे हो तो बाइक को बैलेंस करना इजी है, बट अगर डबल आ रहे हो तो बहुत टफ है भाई। मैंने कल जो देखा था रात को आते हुए, एक अंकल आंटी थे स्कूटी पे थे, वो भी गिर गए थे बाइक, उनकी स्कूटी गिर गई थी। एक और बाइक देखी थी, वो भी दो लोग थे, अभी जो भाई लोग आ रहे थे वो भी दो लोग थे। चलो चावला जी चलाएंगे हमारी स्क्रैम्बलर और हम लेंगे मजे अपने हिमालयन के। हिमालयन भी अपनी है, स्क्रैम्बलर भी अपनी है। फील सो गुड, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। चलो जी ये बाइक अपनी कुछ ज्यादा प्लांटेड फील होती है, मतलब ना बैठ गए आराम से, बैठे रहो, चलते रहो घंटों घंटों। ऐसी फील होती है ये बाइक, मतलब काफी इस पे बैठ के ना, एक तो इंजन की जो फील है हाई एंड अच्छा है, टॉप एंड अच्छा है इसका, और यू फील लाइक पुशिंग द बाइक, और बैलेंस अच्छा है इसका, मतलब हाईवे टूरिंग के अकॉर्डिंग अच्छा वेट है। सस्पेंशन ट्यूनिंग हिमालयन 450 की अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो ना अपनी स्क्रैम्बलर में है, ना अपनी एनएक्स, अपनी नहीं मतलब जो एनएक्स 500 में है। अमेजिंग सस्पेंशन, एनएक्स 500 की सस्पेंशन मैं ले गया था खड्डे में, एक्सट्रीम खड्डे में गलती से ले गया था, वो ढक कर गया था, तो आवाज आई, मैं कहा भाई साहब क्या हो गया ये। बैक टू स्क्रैम्बलर, क्योंकि पूरा स्लिपरी स्ट्रेच बड़ा स्टार्ट हो गया है, तो बेटर है कि अपनी बाइक पे ही चले। पाँव आ चुकी है मेरे बाहर दोनों,
टू बैलेंस द थिंग। फ्रेश स्नो में फिर भी दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, हमारा फर्स्ट था एनकाउंटर आइस का, ब्लैक आइस का। मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेटर हम तैयार होके आएंगे, स्नो चेन एंड ऑल। ब्लैक आइस ने मुझे ट्रेन कर रही है कि मैं ना अपने रियर व्हील की ना एक एक जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ एकदम। आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व माइनर से माइनर मूवमेंट, क्योंकि हल्की सी जैसे ये ना ऊपर सामान इसके ऊपर जाती है ना तो स्किट करनी स्टार्ट हो जाती है। मजेदार यार, देख के अच्छा लग रहा है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना वाइट का, ब्राउन का और ग्रीन पेड़ों का, ओहो, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैंने एक चीज़ अभी इस ट्रिप पे, इनफैक्ट मुझे आज ये चीज़ फील हो रही है कि अगर आप कोई भी नया काम, नया टफ काम फर्स्ट टाइम करोगे, मे बी आप सक्सेस ना हो उस काम में, बट आप कुछ लर्न जरूर करोगे, आप कुछ नया स्किल, आप कुछ नया कॉन्फिडेंस एक्वायर जरूर करोगे। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। वो पता हो क्या रहा है, एक कोने पे जो धूप है वहाँ एकदम रोड साफ है, जैसे टर्न लेते हैं देखते हैं कि धूप नहीं है और ब्लैक आइज आ गई। और कई बार ना आपका जैसे माइंड सेट होता है ना कि धूप है तो चलो ठीक है, रोड साफ है तो आप कोर्स चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लैक आइज में तो भाई साहब आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आपने इग्नोर कर दिया ब्लैक आइज को एक बार तो बट ब्लैक आइज आपको इग्नोर नहीं करेगी बिल्कुल भी, वो बता देगी कि आई एम हियर ब्रडी। भाई साहब 2 मिनट के लिए रुके हैं हम फोटो लेने के लिए, और इतनी ठंड है यहाँ, भयंकर वाली ठंड लग रही है। ये देखो भाई साहब एकदम पूरा बर्फ का साम्राज्य है यहाँ पर, जबरदस्त हो रखी है यहाँ तो यार स्नो। अभी तो हमने नालकंडा पहुँचना बाकी है भैया, आ गई ब्लैक आइस। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं नालकंडा की तरफ बढ़ती जा रही है ये लेयर ना, मोटी होती जा रही है। दिस इज समथिंग, क्या बात है यार, लेयर एड ऑन होती जा रही है। वो देखो आगे कितनी स्पीड हो रही है उसकी, वो CBR 650। दिस इज अपने आगे का टायर भी स्किट हो रहा है, अब ये आ गया थोड़ा पीछे का टायर स्किट हो जाएगा, ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा तो आप संभाल लोगे, आगे का टायर स्किट हो गया ना फिर तो बाइक गिरी गिरी है। नारकंडा अभी भी यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 8-9 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम पहुंच गए हैं नारकंडा, काफ़ी स्नो है यहाँ पर भैया, और अभी आपको दिखाएंगे बढ़िया जगह एक अगर वहाँ जा पाए तो। ये ना पता चल नहीं रहा कि मिट्टी वाला ये रोड ख़राब है या फिर ब्लैक आइज है, हम सोचे पत्थर है और पता लगे पत्थर के भेस में ब्लैक आइज निकली तो काम कर देगी अपना वो। ये पूरी आई थिंक ब्लैक आइज ही है भाई। नारकंडा पहुंच गए हैं और टाइम हो गया है 3:53, 4 बज गए हैं और ठंड बढ़ गई है। हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा यहाँ पर, हमने अंदर ये यहाँ से हम आए हैं और ये रास्ता जा रहा है आपका टुवर्ड्स किन्नौर स्पीति वैली। हम जा रहे हैं इस तरफ टुवर्ड्स हाटू पीक, बट वो रास्ता बंद है। यहाँ हमने एक डिस्कवर किया है, एक रिजॉर्ट है, होम स्टे, कॉटेजेज है, जिसके लिए हमें बाइक पार्क करनी पड़ेगी और फिर आगे जाना पड़ेगा। और फोटो तो अच्छी हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है, उसमें आधा घंटा लग गया। और वहाँ पर जो है वहाँ के लिए खाना बनाने के लिए भी हमने जो राशन जो है वो भाई ने राशन ले लिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। तो चलते हैं और दिखाते हैं, पहले देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया लोकेशन। ये देखो भाई, साइड हो जाओ, कोई मार देगा आपको। उंगली मत करो, पहाड़ी कुत्ता है ये, शांत है। सिंगम है ये, शांत है। जब पीछे पड़ गया ना, ये दिल्ली का कुत्ता नहीं है। छुड़ाएगा भी नहीं कोई। हाँ, आपकी बॉडी से चिकन निकालेगा ये। भलाई के जमाने ही नहीं है, हम बोल रहे हैं साइड हो जा, हो नहीं रहा। इसको बोलते हैं स्नो, ये है स्नो असली। पर यहाँ बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा भाई साहब। अभी जस्ट 4 बजे हैं और खतरनाक ठंड हो गई है,
ये देखो इसको बोलते हैं भाई साहब, जो ना फोटो देखी है ना, अगर जैसी दिख रही है फोटो में प्रॉपर्टी अगर ऐसी हुई ना तो आप याद करोगे कि क्या आपको लोकेशन दिखाई है। पर यहाँ पर ना पता चल नहीं रहा कि जैसे रास्ता खराब आ रहा है ना, ऊबड़ खाबड़ आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि वो रास्ता मतलब पत्थर वत्थर है, मिट्टी विट्टी है, या फिर मिट्टी की बेस में कोई ब्लैक आइस छुपी हुई है, भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं है। फिर साला ये फॉग जब जा रही है, ये तो मिट्टी है आई सपोज। हो दिस इज अमेजिंग व्यू। यहाँ तो राइड का इतना मजा आ रहा है यार, आई मीन आई एम जस्ट एंजॉयिंग द राइड हियर, बीइंग कॉन्शियस विद ब्लैक आईज। पार्टी हो रही है भैया रोड के बीच में। तो ये है रास्ता एंट्री का, हाटू पीक का, जो कि बंद होगा ऑब्वियसली बात है, ऊपर की तरफ जा रहा है जो। ये इस रास्ते पे तो यार समर्स पे जाना मुश्किल है, ये राइट पे जा रहा है ना ऊपर, यहाँ तो समर्स पे जाना मुश्किल है, तो विंटर तो भूल ही जाओ। आगे भी स्नो है, पीछे भी स्नो है, हर जगह स्नो है, पूरे स्वाद आ रहे हैं। बाइक स्केट स्केट भी कर रही है। हम चले जा रहे हैं यहाँ से, तो अंदर घुस गए हैं अभी, बाहर भी निकलना है कल हमें। यहाँ एकदम सनलाइट आ ही नहीं रही है, तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल स्नो मेल्ट ही नहीं हो रही है, वैसे ही वैसे ही है, मतलब पूरे पहाड़ जमे हुए हैं, बहुत कम मेल्ट हो रही है। मैंने ऐसी जगह पे मैं कभी नहीं आया हूँ, खासकर मतलब बाइक पे। अब आगे दो दिन की राइड जो बची है उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आई डोंट नो, बट यहाँ आके ना ये जो लास्ट मैंने एक दो तीन किलोमीटर से राइड कर रहा हूँ, दिस इज लाइक फुलफिलिंग, क्वाइट फुलफिलिंग। और वैसा लग रहा है कि मतलब ठीक है यार, जो भी आगे मिलेगा देखा जाएगा, क्या व्यूज मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, बट आई एम जस्ट एंजॉयिंग राइडिंग हियर। यहाँ बाइक कैसे जाएगी ऊपर, यहाँ कहाँ जाएगी बाइक, बाइक नहीं जाएगी। कल भी बंदे आए थे ना बाइक वाले, यहाँ से कितनी आ गई अभी और, यहाँ से तो भैया एक 1.5 किलोमीटर ही है, ये यही जहाँ गाड़ी आ रही ना पार, हाँ तक ये बर्फ है ना, हाँ थोड़ी सी नाले में, हाँ तो मुश्किल है, बाइक नहीं चढ़ पाएगी, बाइक चल नहीं पाएगी, हाँ नहीं चढ़ पाएगी। हाँ। आगे तो फिर साफ ही है, सुखा रोड है ना, यही पॉइंट है सिर्फ, यहाँ नहीं चढ़ पाएगी। तो फिर क्या करें, इधर ही लगा दो साइड में गाड़ी का, कहाँ इधर ही लगा दो आगे को, यहाँ आगे वाले रोड में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यहाँ कोई कोई नहीं चढ़ेगा भैया। अरे बाइक जाए भी नहीं जाएगी यहाँ पर यार, यहाँ तो नहीं बनेगी ग्रिप, यहाँ फंस गई ना तो फिर दिक्कत है यार, नहीं है बिल्कुल इसलिए ग्रिप नहीं है यार। विनय आ रहा है, हाँ ये अपने इनको बोल दो कि ना भाई को अगर ला कर देते, बोले आया वो ऊपर ही ले जाओ ऊपर से, मैं मेरे पांव स्लिप कर रहे हैं, ये शूज वाले, ये शूज ऐसे है ना राइडिंग शूज, मुझे लगता नहीं जाएगी आगे, और वो ऐसा रास्ता यार, नहीं है बाइक मुश्किल है।
काम करते एक एक करके चढ़ा देते ना। हाँ जी हाँ जी, एक एक करके चढ़ा देते। यही पीछे जो ये नाला है ना भैया, यही तक ही है ये बस नो। अच्छा, काम करते एक एक करके चढ़ा देते। चल नहीं है, रहने छोड़, फायदा नहीं है। भाई देख देख सुन, चढ़ जाएंगे ना, उतरने में हाथ खराब हो जाएगी। नहीं उतार दे देंगे ना ऐसे पकड़ पकड़ के। एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, मैं इसको ना करते हैं। हाँ, नीचे खड़ी करते हैं। भैया कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नीचे जान दो। फंस गई अरे, हाँ ब्रेक नहीं ले रहा। ध्यान से पुश कर ले। हाँ जी, ऊपर चल कर। तो चलो चलो धक्का मारो। लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, हो गया एडवेंचर। उड़ा इसको, वो नहीं बन रही है, देख लिया था ना, इसलिए आया था ऊपर। बैठ बैठ बैग में ला रहा हूँ, तू बैठ। नीचे ला रहे भाई, एक्सट्रीम वाला कर रहे हैं जब हम। हाँ बहुत एक्सट्रीम है ये। कैसे? हाँ बस बस चल, काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, चढ़ तो जाएगी, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि चढ़ेगी किस पे। इसके पाँव पे चढ़ गई बाइक, चढ़ तो गई थी पूरी। तो फाइनली ऊपर जा नहीं पाएंगे हम, तो हम आगे जा रहे हैं बाइक पार्क करने के लिए। जिनका रिजॉर्ट है वो कहीं बाइक हमारी पार्क करवा रहे हैं, उसके बाद हम उनकी गाड़ी में, उनकी थार में ऊपर जाएंगे। यहाँ पर पूरी मिट्टी और पूरी ये ब्लैक आइज मिक्स है, और ऐसे मिक्स है कि मालूम चल ही नहीं रहा नीचे की आइज है। तो जन्नत भाई है, कदा ही पूरा एडवेंचर हो गया है। तो अभी ऊपर चले जाते ना, मगर जैसे भी खींच तान के वहाँ से नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऊपर जब आप जा रहे हो तो आपका मोस्टली काइंड ऑफ पीछे का टायर स्किड ज़्यादा करता है, आगे भी करता ही है अगर स्लिपरी है, लेकिन अगर नीचे आ रहे हो और स्किड स्लिपरी है तो फिर आगे का टायर भी स्लिप करता है आपका। आगे का टायर स्लिप हुआ तो आपकी बाइक गिरेगी ही गिरेगी, पीछे के टायर स्किड होने के चांसेस हैं कि बच जाए। ये बाइक्स हमारे यहाँ पार्क हो गई हैं, एक दो तीन चार बाइक यहाँ पर, और हम जाएंगे इस गाड़ी में, सामान भर चुका अंदर, घुसे अंदर। देखो भाई, गाड़ी में जगह हो ना हो, दिल में होनी चाहिए। जिम्नी कामयाब है इधर? नहीं है, नहीं ठीक है। 4x4 आप आपके हिसाब से थार बेटर है जिम्नी बेटर है? देखिए भाई साहब, आप लोग तो इधर पहाड़ों में बर्फ में चलाते हो ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। देखो भाई, मैं तो थार का दीवाना। हाँ, दीवानगी छोड़ दो, दम भी है, दम भी है। अच्छा, उसमें नहीं है, उसमें इंजन छोटा है ना। तो फाली थार पे हो गए हैं सवार हम, चार नहीं भाई, भी इंजन की थार है ये। अब होगा एडवेंचर, जा हिमालयन ने दम तोड़ दिया था, वहाँ थार काम आएगी। हाँ सही बात है यार, वहाँ तो हम नेक्स्ट ट्रिप, वहाँ तो हम खुद ही स्लिप हो रहे थे। ट्रैम तो चढ़नी चाहिए थी, ट्रैम तो चढ़नी, मैंने कहा बेइज्जती हुई थी ना बाकी बाइक्स की। मेरा दिल ऐसा ना, क्या करूँ। स्नो चैन से तो चढ़ जाती,
अरे ये तो एफर्ट भी नहीं कर रहे थे भैया, मैंने ही करी आधे दूर तक तो ले गया कम से कम। वो कहते ना नहीं, वो कहते ना लड़के हारे तो हारे, क्या हारे, ये तो बिना लड़े ही हार मान गए। देखो भाई की थोड़ा और लड़ लेते, थोड़ा और लड़ लेते आगे तक, बट फिर बट क्या है ना, एक बाइक होती ना तो ठीक थी, चार में ना यहाँ हालत खराब हो जाती। स्वाद पूरे आ रहे हैं यहाँ पर, जबरदस्त। मुझे थार बहुत ज्यादा पसंद थी नहीं, लेकिन अब ले लेंगे अब मतलब मैं बढ़िया गाड़ी है, इतना मतलब रफ स्ट्रेच है ये, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे स्मूथली, ऑफ कोर्स मेहता जी का स्किल्स भी है बट गाड़ी भी दम है नो डाउट। फाइनली हम पहुंच गए हैं आज की लोकेशन पे, और ये देखो इस रास्ते से आए हैं हम, बाइक छोड़ दो कोई कार भी नहीं आ पाएगी यहाँ पर। और अब देखो ये है जहाँ हमने स्टे किया है कॉटेज, ये है रूम, अब ये जो है कर लेंगे इसको फायर अप, पूरी गर्मी हो जाएगी। और ये देखो पीछे का व्यू गजब, अमेजिंग प्लेस यार, कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए ना। आज का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया, अभी कुछ खाते हैं चाय पकौड़े, बढ़िया। ये आ गए उन्हें पकौड़े और ये चाय। चावला जी फ़ोन पे, राजेश भाई फ़ोन पे, जाज शर्मा फ़ोन पे, पकौड़े की चाय की कोई कदर ही नहीं इनको, कोई बात नहीं।